हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं इंजीनियर मयंक सैनी आज सबके सामने दोबारा हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा ही यूनिक होने वाला है हर किसी के लिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ सीरीज, बार बेंडिंग शेड्यूल की पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं मैं आज। इस सीरीज के थ्रू आप पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे पूरी पूरी बिल्डिंग का, जिसमें बात करेंगे हम कॉलम की, फुटिंग की, बीम की, स्लैब की एंड साथ छज्जे की एंड पाइल की, मतलब टोटल जो हमारा बीबीएस होता है पूरी बिल्डिंग का हम पूरा कैलकुलेट करेंगे सीरीज के थ्रू। एंड अगर आपको पूरा एक्सपर्ट बनना है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, तो सिविल गुरु जी आपके लेके आया ऑफलाइन ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप हर चीज के मास्टर बनते हैं। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल, लेकिन आप सीखेंगे सिविल गुरु जी ट्रेनिंग के अंदर पूरा एस्टिमेशन, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, सर्वेयर वर्क, बिलिंग एंड पूरे प्रोजेक्ट की केस स्टडी किस तरीके से की जाती है। आई मीन टू से कि पूरे अपनी सिविल इंडस्ट्री का मास्टर कैसे बनना है, तो सिविल गुरु जी आपको सिखाता है, जिसके बैच स्टार्ट हो चुके हैं 15 जनवरी से। तो जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके प्रोसीजर पता कर सकते हैं हमारी सिविल गुरु जी की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल की, कि मेरे फर्स्ट सीरीज जो है मेरी जो आज स्टार्ट हो चुकी है, इसको कैसे स्टार्टअप करना है मैं चलता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर। अब हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे और मैं साथ साथ आपसे बातें करता रहूंगा ताकि आपको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे हैंड टू हैंड। तो सामने देखा स्क्रीन के ऊपर, तो हमारा इंस्टीट्यूट है पूरा सिविल गुरु जी, सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब हम करेंगे पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल सोल्व। तो चलते हैं इसी के ऊपर। सबसे लिखा मैंने व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल, कि जो चीज मैं स्टार्ट करने वाला हूं मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का बेसिक क्लियर होगा तभी मैं चीजों से आगे निकल पाऊंगा। आइए पढ़ते that what is bar bending schedule. Bar bending is a process of cutting and bending of reinforcement into required shape. इसका मतलब ये कि मुझे एक बार की कटिंग करनी है, उसकी रिक्वायर्ड शेप रखनी है हर स्ट्रक्चर मेंबर के हिसाब से। देन उसका लिखा है मैंने यहाँ पे लोकेशन एंड मार्किंग ऑफ बार, कि जो इसके पार्ट्स आते हैं हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल, इसमें डिवाइडेड इस तरीके से। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है मेरा, लोकेशन एंड मार्किंग ऑफ बार, कि मुझे लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि मुझे जो स्टील प्रोवाइड करना है वो फुटिंग के अंदर प्रोवाइड करना है, कॉलम के अंदर प्रोवाइड करना है, बीम के अंदर प्रोवाइड करना है। सेकेंड में प्रोवाइड करता हूं टाइप ऑफ बार के बारे में हम बात करेंगे आगे, कि कौन कौन सी बार यूज होती हैं। एंड देन बात करता हूं साइज ऑफ बार के बारे में, कि जो साइज ऑफ बार, आई मीन टू से 8 mm की बार, 10 mm की बार, 12 की बार, 16 की बार, 20 की बार, कौन कौन सी बार हमें यूज करनी है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है कटिंग लेंथ ऑफ बार, सीधी सी बात है हर स्ट्रक्चर मेंबर के लिए कटिंग लेंथ अलग अलग रहेगी एज पर उसके डिस्टेंस के हिसाब से। देन फिफ्थ पॉइंट लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ बार, कि उसे एक स्ट्रक्चर मेंबर के अंदर कितने नंबर ऑफ बार लगी हुई है। एंड सेकंड लास्ट जो है यहाँ पे बेंडिंग डिटेल्स, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको बेंडिंग डिटेल्स ऑफ बार। एंड लास्ट वाले टोटल क्वांटिटी, पूरा ये डिटेल निकालना, लोकेशन, टाइप ऑफ बार, साइज ऑफ बार, कटिंग लेंथ ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, बेंडिंग डिटेल्स ऑफ बार एंड टोटल क्वांटिटी, ये कहलाता है मेरा पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल। आइए ले जाता हूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम इतना पता लगेगा व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल, कि बार बेंडिंग शेड्यूल में करता हूं मुझे आता है, उसके फायदे क्या है मुझे, तो देखते हैं लाइन वाइज। सबसे पहले लिखा है कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट कैन बी डन, इसे समझ पा रहे हैं आप, कि एक बार की हमने कटिंग करी, उसके टोटल लेंथ निकाली, उसे कितना बैंड आना है, हमने पूरा सेट कर लिया उसको। नेक्स्ट वन है आपका बीबीएस अवॉइड वेस्टेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट एंड यू सेव प्रोजेक्ट कॉस्ट, कि अगर मैं अपने पूरे प्रोजेक्ट का एक्यूरेट जगह पे स्टील लगवा रहा हूं, तो सीधी सी बात है कि मेरा स्टील कोई वेस्ट नहीं होने वाला और एट द एंड मेरा जो प्रोजेक्ट है वो सेव होने वाला है। उससे नेक्स्ट की बात करता हूं, इट प्रोवाइड्स बेटर एस्टिमेशन एंड रेनफोर्समेंट स्टील रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर मेंबर, कि मुझे फुटिंग के लिए कितना स्टील चाहिए था मैंने उसमें सेट कर दिया, मुझे कॉलम के लिए कितना स्टील चाहिए था मैंने एक्यूरेट उतना डाला है, ना ही कम और ना ही ज्यादा। And then during auditing of reinforcement, BBS is very much useful during auditing of reinforcement and provide check or theft and pilferage. अब इस लाइन को समझते हैं कि जब BBS से क्या है मुझे उसका फायदा क्या है, कि जब भी मैं auditing करता हूँ, auditing stands for कि मेरे को एक structure member के लिए एक पूरी building के लिए 5 ton steel लगा है मेरा, तो जब 5 ton steel मेरा site के ऊपर पहुंचा तो मुझे वहां पे आइडिया हो गया कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेरा 5000 kg जो मेरा स्टील लगने वाला है लगेगा, इसके अलावा वहां पे स्टील नहीं लगने वाला। अगर वहां पे स्टील एक्स्ट्रा लग रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ चोरी हुई है या फिर वो जो मेरा स्टील है वो वेस्ट हो चुका कहीं ना किसी एरिया में। नेक्स्ट वन है इट इनेबल्स इजी एंड फास्ट प्रिपरेशन ऑफ बिल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर क्लाइंट एंड कॉन्ट्रेक्टर। इस बात से क्लैरिफाई हो रहा है कि जब मेरे पास हर एक स्ट्रक्चर मेंबर की कटिंग लेंथ, नंबर ऑफ बार्स, कितने टोटल लेंथ था, ये कितने के जो स्टील लगा है, तो मुझे उसका बिल बनाने में देरी नहीं लगेगी, मैं उसका क्विकली क्या है उसका बिल बना लूंगा। इतना क्लियर हो चुका है हमें। अभी हमें पता चलेगा व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल एंड व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल के, कि क्या क्या फायदे हैं मुझे। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देन व्हाई स्टील इज यूज्ड एज अ रीइंफोर्समेंट बार।
अब माइंड में क्वेश्चन निकलता होगा कि स्टील ही क्यों यूज किया जा रहा है, और भी इतने पार्ट्स हैं हमारे मार्केट के अंदर, हम वो क्यों यूज कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं स्टील ही क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, एज कॉन्क्रीट इज वीक इन टेंशन, सो स्टील इज यूज एज अ टेंसाइल सपोर्ट फॉर आरसीसी मेंबर। ऐसा हम सबको पता है, एज अ सिविल इंजीनियर इतना सबको पता है कि जो कॉन्क्रीट है मेरा वो कंप्रेसिव मेंबर है। अब जब वहां पे कुछ टेंसाइल जोन बनता है तो वहां पे मेरा जो कॉन्क्रीट है क्रैक होना शुरू कर देगा, तो उस वजह से हम वहां पे स्टील प्रोवाइड करते हैं। पहला टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। सेकंड वन है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू कॉन्क्रीट, कि इन दोनों की जो क्वालिटी है थर्मल एक्सपेंशन स्टैंड्स वो, कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कॉन्क्रीट भी बढ़ता है और साथ साथ मेरा स्टील की लेंथ भी बढ़ती है। अगर देखा जाए स्ट्रक्चर के अंदर, हमारा सिर्फ एक स्ट्रक्चर बढ़ रहा है लाइक एज कॉन्क्रीट बढ़ गया, लेकिन जो अंदर का मेंबर है वहीं पे है, तो क्या होगा, कॉन्क्रीट में क्रैक्स आ जाएंगे। लेकिन स्टील क्या करता है, अगर कॉन्क्रीट इंक्रीज हो रहा है तो साथ साथ मेरा स्टील भी इंक्रीज होता है। इन दोनों का जो नेचर है वो दोनों का सेम है। नेक्स्ट है, गुड स्ट्रेंथ फॉर इकोनॉमिक डिजाइन ऑफ आरसी स्ट्रक्चर, कि जो मेरा स्ट्रक्चर बना है उसको पूरी पूरी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो भी इकोनॉमिकली कि सस्ते में। नेक्स्ट वन है उससे आगे, गुड ग्रिपिंग और गुड बॉन्डिंग विद कॉन्क्रीट, कि जो हमारी स्टील बास होती है उसके अंदर रिप्स और लक्स होते हैं जिससे वो कॉन्क्रीट के अंदर पूरा पूरा बॉन्ड बना लेते हैं। आप सबने देखा ही होगा कि ये हमारी जो बास है उसके ऊपर कुछ रिप्स लगे होते हैं और लक्स लगे होते हैं, तो कैसे किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका मेन पर्पज ये होता है कि ताकि वो अपने हमें कॉन्क्रीट के साथ बॉन्ड बना पाए। लास्ट में लिखा हुआ है, गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन ऑफ हाई ड्यूरेबिलिटी, कि जो मेरा स्टील है टोटल कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन उसमें इतना होता है कि कुछ हद तक वो सहन कर सकता है हमारे वेपर को, लाइक वो कोरोजन को जल्दी नहीं पकड़ेगा अगर हम अच्छी क्वालिटी का स्टील यूज करते हैं। तो ये क्वालिटी हम स्टील ही क्यों यूज करते हैं। अब डेटा क्लियर होता जा रहा है आपको, ध्यान रखना सबसे पहले व्हाट इज बारबेनी शेड्यूल, सेकंड वन उसके फायदे, एंड थर्ड वन व्हाई स्टील इज यूज एज रिइंफोर्समेंट। अभी तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं, आप इनिशियल स्टेप से आगे आ चुके हैं दोस्तों। सो लास्ट वन चलते हैं आगे, गुड बेंडेबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड शेप, कि हाँ इससे हम मोल्ड भी तो कर सकते हैं, देखा जाए तो इस चीज को हम मोल्ड करेंगे। अगर आप किसी और मेंबर को मोल्ड करोगे, लाइक बैम्बू को लगाते थे हम पहले जो इकोनॉमिकली पड़ता है वैसे, लेकिन बैम्बू का थर्मल एक्सपेंशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम नहीं है कॉन्क्रीट की, इसलिए प्रोवाइड नहीं करते उसको, लेकिन उसमें बैंड भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो मेन पर्पज बचा है यहाँ पे कि स्टील को हम अच्छे से बैंड भी कर सकते हैं अपनी मनचाही शेप के अंदर, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें गुड बेंडेबिलिटी इसके अंदर ये क्वालिटी है उसकी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, बेसिक स्पेसिफिकेशन ऑफ रेइनफोर्समेंट बार, हमें हमारी बास की स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए कि मार्केट में कौन कौन सी बास आती हैं, उसकी हम कैसे पहचान करें, तो ये पहचानना बहुत जरूरी है अगर मुझे एक अंडरस्टैंडिंग करनी है अपने प्रोजेक्ट की अच्छे तरीके से। तो चलते हैं आइए साथ में। सो टाइप्स ऑफ रेइनफोर्समेंट, टाइप ऑफ बार हो चुका है। सबसे पहले मुझे मेरी बार शो हो रही है Fe 250, ये ग्रेड है। Fe स्टैंड्स फॉर आयरन का जो साइंटिफिक नेम है, Fe वो है, एंड 250 जैसी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो मेरी ये बास अवेलेबल होती है। अब इस बार के ऊपर देखेंगे आप कि यहाँ पे सिंपल ही डेटा है, सिंपल डेटा स्टैंड्स फॉर कि इसके ऊपर कुछ मार्किंग नहीं दिख रही, सिंपल प्लेन बार दिख रही है मुझे ये। लेकिन जो नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको, Fe 415 एंड Fe 500, अब मेरी ये बार्स हैं, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि रिप्स एंड लग्स दोनों चीज प्रोवाइड हो रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ऐसा ही मार्क भी दिख रहा है आपको और 500 TMT जो उसका शो कर रहा है। अब साथ में देखेंगे यहाँ पे कि रिप्स ये होते हैं मेरे जो नीचे तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं, एंड लग्स जो मेरी है पूरी स्ट्रेट जा रहे हैं। Fe 405 के अंदर लक्स नहीं मिलते, लेकिन Fe 500 के अंदर रिप्स एंड लक्स दोनों प्रोवाइड होते हैं। तो इन दोनों को पहचानने का तरीका सिर्फ यही था, तो हमें पता होना चाहिए। और भी ग्रेड्स आती हैं हमारे मार्केट में, हमारी जो अवेलेबिलिटी सदियों की मार्केट में, इसकी डिमांड ज्यादा है इसलिए इसकी सप्लाई ज्यादा है, तो मार्केट में कुछ यही स्टील जो हमारा यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, साइज एंड यूनिट वेट ऑफ बार। अब मुझे बार का पता लग गया, निकालते कैसे हैं, एडवांटेज पता लग गया बार बेंडिंग शेड्यूल की, अब मुझे बार का साइज पता होना चाहिए और बार के साइज के साथ साथ मुझे उसका यूनिट वेट भी पता होना चाहिए। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। अभी यूनिट वेट निकालने का तरीका सिर्फ यही होता है, डाया स्क्वायर अपॉन 162। लेकिन ये इस केस में अगर मेरी बार सर्कुलर है, तो अगर मेरी स्क्वायर बार है तो मैं ऐसे इसको फॉर्मूला नहीं लगा पाऊंगा, मुझे उसकी एक कटिंग लेंथ देनी पड़ेगी 1 मीटर की, एंड जो उसका पेरीमीटर है टोटल उसकी वॉल्यूम निकाल के 1 मीटर तक की, तब उसको मल्टीप्लाई करता हूँ डेंसिटी से, जो हमारी डेंसिटी होती है स्टील की 7850 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब मेरे पास उसका पर मीटर का रेट आएगा। लेकिन सर्कुलर में बिल्कुल आसान फॉर्मूला यूज करेंगे हम, डाया स्क्वायर अपॉन 162। अभी डाया ये जो दिखा रहा है, डाया मतलब कि अगर मेरी 8 mm की बार है तो 8 का स्क्वायर अपॉन 162 करूंगा, तो मेरे पास मेरी 1 मीटर की बार का वेट निकल जाएगा। आइए दिखाता हूँ किस तरीके से, 8 mm की बार है तो 8 × 8 / 162, तो मेरे पास टोटल कितना आ गया, 0.395। सेम ऐसे ही 10 mm का भी यहाँ पे है कि 10 का स्क्वायर अपॉन 162, मेरे पास टोटल वेट कितना आ गया, 0.617 kg per meter। 1 मीटर में इतनी लेंथ निकल रही है।
अब देखते हैं और कौन कौन सी बार आती है मार्केट में। 12 एम के लिए मेरे जो वेट निकल रहा है वो 0.889 निकल रहा है, एंड 16 एम के लिए सेम डायस के 1.58 kg मेरा वेट निकला। 20 एम के लिए सेम 2.47। अब देखें 22 mm, अभी 22 mm आपको मार्केट में नहीं मिल पाती, जो हमारी नियर बाय मार्केट होती है वहाँ पे आपको ये सरिया नहीं मिलेगा। ये सरिया मिलता है डिमांड पे, जो मेनली आपकी यूज होता है 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का, 16 mm का, 20 का, 25 का, एंड साथ साथ आपका 32 का। ये जो हमारे सारी स्टील यूज होते हैं ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं इस तरीके से। एंड अभी हम सीख गए हैं यहाँ पे कि चाहे मेरे पास कितने भी डाय का बार हो, अब मुझे उसका यूनिट वेट पता है, आपको ये पॉइंट्स को पूरा याद करना पड़ेगा अपने टिप्स पे कि 8 का कितना है 0.395, 10 का कितना आएगा 0.617, 12 कितना आएगा 0.889। तो ये कुछ बातें थी जो हर एक इंजीनियर को पता होनी चाहिए, बार बार शूट अगर वो स्टार्ट कर रहा है बेस्ट तरीके से। हाँ, जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप पूरे बारबेंट शूट के एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ ये स्टार्टिंग वीडियो है कि आपको पूरा बेसिक पता होना चाहिए। अब हम करेंगे इसके एडवांस के बारे में सारी बातें, थोड़ा चलते हैं और डीप इसमें। अब हम बात करने वाले हैं क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर के बारे में कि अगर मुझे स्टील प्रोवाइड करना है अपने किसी भी मेंबर में, चाहे मैं फुटिंग स्टील प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे मैं कॉलम स्टील प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ एरिया होता है जिसको मैं छोड़ता हूँ ताकि मेरा जो स्टील है पूरा कंक्रीट के अंदर कवर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्लियर कवर। लेकिन इसमें ध्यान से देखना कि ये बार के आउटर फेस से है, एक नीचे तो देखेंगे ध्यान से, एक इफेक्टिव कवर है। अब इसके देखना बार के अंदर जो मेरा स्टिरप है, ये आपको रेड लाइन में जो दिख रहा है स्टिरप है मेरा, अब स्टिरप के अंदर येलो बार दिख रही है आपको, तो ये मेरी जो मेन बार लगी हुई है, इस बार के सेंटर से लेके आउटर तक का एरिया में कहलाता है इफेक्टिव कवर। अब आप क्लियर हो गए यहाँ पे कि क्लियर कवर क्या होता है और इफेक्टिव कवर क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जो इफेक्टिव कवर हम कैलकुलेशन में नहीं लेते, हम लेते हैं सिर्फ कैलकुलेशन में क्लियर कवर। अब देखते हैं कि हर एक स्ट्रक्चर मेंबर में कितना हम कवर प्रोवाइड करते हैं। चलते हैं आगे, अब लिखा हुआ है ध्यान से देखते हैं, साथ साथ देखते रहिएगा किस तरीके से वैल्यू पुट होती है यहाँ पे। अब वैल्यू ऑफ क्लियर कवर कितना है, सिर्फ और सिर्फ फुटिंग के लिए मेरा कितना है 50 mm, कि अगर मैं फुटिंग कास्ट कर रहा हूँ तो फुटिंग में जो स्टील प्रोवाइड कर दिया मैंने, तो फुटिंग के एज से लेके अंदर जब तक मेरा एज आ रहा स्टील का, तो उसमें जो गैप होना चाहिए 50 mm का मिनिमम गैप होना चाहिए। नेक्स्ट वाला है मेरा कॉलम का, तो कॉलम के अंदर 40 mm का गैप मुझे प्रोवाइड करना पड़ता है। उससे नेक्स्ट है मेरा बीम आता है 25 mm का, उससे नेक्स्ट आती है स्लैब, कि स्लैब के अंदर जो मेरा बेस है, तो बेस से अब जहाँ पे स्टील आया तो स्टील के फेस से मेरा 20 mm का कवर होना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, क्लियर कवर की बात कर रहे हैं हम, याद रखिएगा। तो उससे नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेयरकेस में कितना है 15 mm का कवर प्रोवाइड करेंगे, 15-20 भी हो सकता है इसमें। छज्जे की बात करें 15-20 रहेगा, अगर आपकी 100 mm का छज्जा है तो आपका 15, अगर 125 का छज्जा है तो आपका 20 mm का कवर आप प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। लास्ट है पाइल एंड पाइल कैप, कि जो पाइल फाउंडेशन होती है उसमें जो कवर प्रोवाइड करते हैं हम करते हैं 60 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं, जो पाइल कैप बनती है उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं कवर 60 mm का। तो कुछ यही डेटा था आज के लिए, क्योंकि अभी आपने क्या किया है, आज सिर्फ एक इनिशियल स्टेप जानकारी ली है कि जो बार बेंडिंग शेड्यूल में स्टार्ट करना है बेस्ट तरीके से, तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में कि टाइप्स ऑफ स्टिरप कौन कौन से हैं, कितनी तरह के हमारे स्टिरप यूज होते हैं, एंड साथ साथ हम किसी भी मेंबर की जो कटिंग लेंथ निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, वो हम जानेंगे पार्ट टू में। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट वन है, याद रखिएगा। अगर आप पूरा बीबीए सीखना चाहते हैं तो पार्ट टू का वेट करते रहिएगा, मैं पूरी सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए कि आपको सिर्फ एक ही जगह पर पूरी पूरी बिल्डिंग का बार बार शेड्यूल मिल जाए। पूरी वीडियो इसके रिगार्डिंग रहेंगी कि कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, सबसे पहले हमने क्या किया आज, बेसिक किया है। बेसिक के बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ सिरप एंड कटिंग लेंथ निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम आएंगे फुटिंग वाले पार्ट में, फुटिंग के बाद आएंगे कॉलम पे, कॉलम के बाद बीम पे, कि जितने भी मेरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके उसको आगे ले चलते जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, बी कनेक्टेड, कीप लर्निंग। तक रही मेरी बात, मैं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आपको कंटिन्यू डेटा प्रोवाइड करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।